थैंक यू सो मच आज की इंटरव्यू के लिए। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आप हमें थोड़ा LSC इंफ्राटेक का शुरुआत के बारे में बता सकते हैं, जो पहले पहले स्ट्रगल थे, जो मतलब जो आपकी रिस्पॉन्स हुई थी आपकी फैमिली से, क्या क्या स्ट्रगल्स थे और कैसे शुरू हुई थी आपकी कंपनी? फैमिली से कभी कोई स्ट्रगल्स नहीं आए, और स्ट्रगल्स को तो मैंने लाइफ में एंजॉय किया है। 1984 में व्हेन आई स्टार्ट माय कैरियर इन 1967, मैंने कई बिजनेस बदले, और 84 में मेरे पास जो एसपी सॉल्वेंट यूनिट था, जो एक्सपोर्ट अवार्डेड यूनिट था, एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, वो मैंने अपने छोटे भाई को विदाउट टेकिंग ए सिंगल पाई उसको हैंड ओवर कर दिया। देन आई स्टार्ट फ्रॉम माई न्यू थर्ड लाइफ का थर्ड कैरियर जर्नी फ्रॉम जीरो, एंड आई वॉज नो मनी, मतलब है नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तब मैंने स्टडी किया कि कौन से प्लांट को किस फील्ड में अपने को एंटर करने का, तो मैंने दो फील्ड एक्सप्लोर किए, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनाने का और एक स्टोन क्रेशर का। स्टोन क्रेशर इन 1984, मेरी कंपनी लाल को स्टोन क्रेशर 84 में मैंने कंपनी लॉ में इसको रजिस्टर कराया। बट ऑक्सीजन को और स्टोन क्रेशर को कंपेयर करके जब मैंने देखा तो मेरे को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ये आया, तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स आया कि शिव कुमार जी एक्सपोर्ट अवार्डेड यूनिट से उठ के स्टोन क्रेशर, उस टाइम ग्रिट जो है सड़क पे गरीब आदमी तोड़ देते, कोई मैकेनिज्म सिस्टम नहीं था, तो मुझे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आया और स्टोन क्रेशर इंडस्ट्री को एंटर ना करके मैं ऑक्सीजन प्लांट में एंटर किया। ऑक्सीजन प्लांट 84 से लेके 88 में 4 साल लगे उसको प्रोडक्शन में आने में, 4 साल, 2 साल कुछ प्रॉब्लम्स आई उसमें। तो जब उसका जन्म हुआ तो सिकनेस में ही जन्म हुआ, गैस प्लांट का अच्छा, बहुत सोफिस्टिकेटेड यूनिट था, कम मैन पावर थी, ऑटोमेशन था और प्रॉफिट भी था जब सर्वे किया था, बट जब प्रोडक्शन में आया तो लॉस में ही उसका जन्म हुआ, सिकनेस में बर्थ हुआ। और मैंने उसको फाइट किया, फाइटिंग की, मेहनत की, दोस्तों ने साथ दिया और उसमें लॉस में लॉस होते चले गए, और मेरे पास कोई एक पैसा नहीं था, जीरो से पैसा, कोई पैसा नहीं था, सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पूरा कॉपरेट किया, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द फर्स्ट बिजनेस पार्टनर, उन्होंने पूरा 100% पैसा दिया और लॉस में भी वो सपोर्ट करते रहे, लॉस में भी सपोर्ट करते रहे। उसके ठीक बाद जब लॉस होता रहा तो 1991 में फिर दोबारा से मैंने स्टोन क्रेशर को, जो मेरी कंपनी बनी हुई थी, उसको मैंने पहले बहुत लोगों को कहा कि भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, मैं तो नहीं कर पाया, मैं ऑक्सीजन प्लांट में फंस गया हूं, तो किसी ने भी हिम्मत नहीं की। फिर 1991 में दोबारा से मैंने उसको, यूनिट को, उस फील्ड को, इंडस्ट्री को मैं टेकअप किया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मुझे 100% लोन उस पहली यूनिट को लगाने के लिए 84,75,000 रुपए का लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सैंक्शन किया, क्योंकि प्रभु की कृपा से और मेरे वर्किंग स्टाइल से, फ्रॉम माय स्टार्ट माय कैरियर, माय ब्रांड जो है बैंकर की ब्रांड थी 1967 से, मैं कभी बैंक के पास पैसा लेने गया, हमेशा पैसा देने आए, हाईली क्राइसिस से क्राइसिस में, क्योंकि बैंक को जेन्युइन एंटरप्रेन्योर चाहिए और जेन्युइन एंटरप्रेन्योर को बैंक का साझेदारी, इट इज एसोसिएशन, जैसे मैंने कहा बैंकर इज ए किसी भी संस्था का, किसी व्यक्ति का, बैंकर इज ए फर्स्ट प्रोफेशनल बिजनेस, सेकंड बैंक, फर्स्ट इज ए टीम, फर्स्ट इज ए प्रोफेशनल टीम। मुझे 84,75,000 का लोन मैंने सैंक्शन किया पिकअप ने, जिसके ऑलरेडी डिफॉल्ट में लोन थे, कुमार ऑक्सीजन में, कुमाऊं गैस में हैवी डिफॉल्ट थे, और उन्हीं के पैसे से ही मैंने जमीन खरीदी, 17 लाख रुपए का जमीन खरीदी, 17 एकड़, उस टाइम जो मैंने प्लांट लगाया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लांट था। इस फील्ड को लोग एज ए इंडस्ट्री समझते ही नहीं थे, 2,000 गज में आपके NCR में सारी हिंदुस्तान में लगे हुए थे। तब जो मेरे मेरे उद्योग जगत में शोर मचा कि साहब शिव कुमार ये तो इतना बड़ा कारखाना स्टोन क्रेशर लगा रहे हैं, ये तो फ्रॉड करेंगे, पैसा ड्रेन करके ले जाएंगे। तो स्टार्टिंग मेरी वहां से हुई और उस इंडस्ट्री में 1991 से जो पैसा कमाया वहां से पैसा मैं कमाता था। ऑक्सीजन को मैंने 2005 तक
लॉस में चलाया, वहां ऑक्सीजन स्टोन क्रेश में पैसा कमाता था और यहाँ गलाता था। और उस टाइम मतलब जो है 40 लाख रुपए की एक सिंगल मशीन एक्सकेवेटर होती थी, जो सैमसंग की मैंने ली, जो हिंदुस्तान में बड़ी पूरे एरिया में, हमारे एरिया में शोर मच गया। जहां 5 लाख रुपए की उस टाइम मशीन कोई नहीं लेता था, मतलब 2 लाख की मशीन नहीं लेता था, वो मैंने 40 लाख रुपए की एक्सकेवेटर मशीन, लोडर मशीन, जो ग्रिड्स को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए काम आती थी। तो ये मैंने स्टोन क्रेशर इंडस्ट्री को का बताया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत क्रिटिसाइज किया, और मैं सक्सेस हुआ। जी, मेरा अगला क्वेश्चन था कि आप इतने मतलब सक्सेसफुल टाइकून हो के भी आप अपना ये बदलाव आ गया आपके जीवन में, आप एक लाफ्टर थेरेपिस्ट बन गए हो, तो इस बदलाव का वजह क्या था? ये एक मोमेंट क्या था कि आपने ये बदलाव बनाया कि आप इतना इतना ड्रास्टिक शिफ्ट लिया आपने? बेसिकली देखिए, दो चीजें हैं कि इसमें सबसे बड़ी तो है प्रभु की कृपा। जो आदमी का डीएनए और जीन्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, साधु के भी और राक्षस के और बिच्छू के भी। डीएनए और जीन्स कभी चेंज नहीं हो सकते, तो प्रभु की कृपा से सबसे बड़ा तो अचीवमेंट ये है कि मैंने नफीस डीएनए एज फ्रीडम फाइटर बैकग्राउंड थी, और फ्रीडम फाइटिंग बैकग्राउंड और बिजनेस बैकग्राउंड होने के नाते मेरे फादर 2 साल जेल में रहे 1930 में। हापुड़ से मैं बिलोंग करता हूँ, पूरा खानदान वहां पर है। मेरी तो डीएनए बहुत अच्छा स्ट्रांग मिला जो है प्रभु की कृपा से। एयरफोर्स में जाने की तमन्ना थी, मगर मैंने बिजनेस, फैमिली के हालात क्राइसिस की वजह से बिजनेस को अर्ली 17 साल की उम्र में 1967 में ज्वाइन किया। तो उसमें जो डीएनए का रोल आदमी की प्रवृत्ति में, डीएनए का रोल बहुत 99% रोल है, प्लस सोसाइटी मेक पर्सन परफेक्ट, पर्सन ओन बाय दी सोसाइटी। तो दूसरा रोल मुझे नफीस दोस्त मिले एजुकेशन टाइम भी, और सारे 1969 से सारे बैंकर, सारे ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत प्यार दिया। समाज ने तो नहीं दिया, समाज तो अब 15 साल से मानता है। जो कल जलेसी करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, कॉम्पिटिटर थे, आज वो लोहा मानते हैं। मगर उस दिन मतलब है कोई भी आदमी जो मेरा दुश्मन था, समाज का, रिश्तेदार, परिवार, कॉम्पिटिटर्स, सोसाइटी, एवरीबडी वाज। तो मगर नफीस दोस्त दिए, नफीस दोस्तों ने के सहारे मैंने स्ट्रगल्स को एंजॉय किया, एंजॉय किया। और ऐसी ऐसी बातें हुई, जब मैं हाईली फाइनेंशियल क्राइसिस में था तो मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि साहब, कि मेरी वाइफ से पूछते थे, भाभी जी कोई दिक्कत तो नहीं? तो लफाड़िया हंसता है। मैं लखनऊ ब्यूरोक्रेट्स दफ्तर में जाता था तो लोग मुझे देख के हंसने लगते थे। मैं कहता था, भाई मैं जोकर थोड़ी हूँ जो मैं देख के हंस रहे हो, मैं तो जोक सुनाता हूँ, हंसाता हूँ ना, जैसे जोकर काम करता है, हंस करो। दूसरा, जितने भी दफ्तरों में मैं जाता था, 5 दफ्तर होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, यूपीएसआईडीसी, और 2-3 डिपार्टमेंट्स हो, उस डिपार्टमेंट्स के सारे अधिकारी मेरे दोस्त होते थे और सब कहते थे, भाई साहब आप ही हंसते हुए आते हो, बाकी 99% इंडस्ट्रियलिस्ट रोता हुआ आता है। भाई रोने से कहाँ काम चल जाएगा? रोने से कोई समस्या सॉल्व हो जाएगी क्या? तो ये प्रभु की देन है जो आपने सवाल किया। जी, जी हाँ, तो उसका सबसे बड़ा रहा, उसने खराब से खराब परिस्थिति में भी हंसी को बरकरार रखा। दैट्स व्हाई मैं प्रभु का बहुत लाख शुक्र गुजार हूं। लाखों नियामत, लाखों खुशियां में उसने सबसे बड़ी नियामत यही दी, और सबसे बड़ी नियामत यही है जो हंसने वाला है वो दैट इज ओनली लाइफ, और वही किसी को हंसा सकता है, और वही सबसे बड़ा जिंदगी है। सुख सुख शांति स्वस्थ आनंदित वही रह सकता है हर परिस्थिति में। तो एक और सवाल आपके लाफ्टर थेरेपी के बारे में, तो सोशल मीडिया ने आपकी लाफ्टर थेरेपी को क्या सहाया दिया सहायक दिया था? मतलब सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई थी आपकी कि सब ऐसे ही जानते थे कि आप ये करना चाहते थे और ये करने वाले थे? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मेरी प्रभु की कृपा से वही जो मेरा वर्क स्टाइल है, प्रवृत्ति होती है कि आदमी की जो उसकी देखिए, किसी के चॉइस, पेरेंट्स किसी के चॉइस नहीं हो सकते।
लाइफ पार्टनर भी मतलब है फुल्ली लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, दोनों एक्सीडेंटल केस हैं, बट जो है फ्लेक्सिबिलिटी सेक्रीफाइस कंप्रोमाइज इज ए लाइफ, और बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है जो आपने पैदा ही है, बट जीने की चॉइस में कोई किसी का कंपल्सन नहीं है, दैट्स ओनली प्योरली जैसे थ्री इडियट पिक्चर कहती है दैट्स योर चॉइस, उसके मुताबिक। और डीएनए सोसाइटी, मैंने कहा डीएनए बहुत अच्छा मिला, सोसाइटी बहुत अच्छी मिली, तो उसमें उसी डीएनए और सोसाइटी से ये सीखा, बहुत प्यार दिया, जो 1969 बैच के आज 1000 ब्यूरोक्रेट्स मेरे दोस्त हैं, और रिटायरमेंट के आज भी 25 साल मेरे इंटैक्ट रिलेशन है कोई से। तो ठीक है। बेसिकली जो उन्होंने जो बेस्ट ऑर्डर है स्पिरिचुअल ऑर्डर है जो जीने की चॉइस में है कि सच बोलो सच बोलो सच बोलो, महात्मा गांधी ने दुनिया को लाया सच में बहुत बड़ी ताकत है, और धर्म से कर्म करो। धर्म से कर्म करने का मतलब है कि आपकी मनसा वाचा कर्म से, आपकी मनसा वाचा कर्म से पर्सन इन पर्सनल पब्लिक इन लार्ज समाज एनवायरमेंट का अहित नहीं होना चाहिए, ये धर्म है। मूर्ति पूजा धर्म नहीं है, जाति धर्म नहीं है, कास्ट में। और तीसरा बात, जो मौका भगवान किसी की मदद का दे दैट अपॉर्चुनिटी शुड अवेल अपने बूते के मुताबिक, फिर आपको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में घंटा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इज द बेस्ट कंसेप्ट। जी तो उस कंसेप्ट से डे वन से जब मैंने अपना होश संभाला, अपना करियर संभाला, प्रभु की कृपा से और दोस्तों के से मेरी मतलब स्कूल में भी हापुड़ भी और यहाँ भी ब्रांड बनती चली गई, अपार्ट फ्रॉम परिवार और समाज और सोसाइटी से वो थ्रेड जलेसी मिली, मगर मुझे कोई रोक नहीं पाया। उस नाते प्रभु की कृपा से बैंकर ने भी, मैं पैसे लेने कहीं किसी के पास नहीं गया, नैनीताल बैंक, आई एम टुडे माय, मैं जिस मेरा जो वजूद है दोस्तों की बदौलत है। मैं एक और क्लेम करता हूँ, कोई लोग कहते हैं साहब आपकी जो है औकात, मैं का गलत फहमी मत रहना, मेरी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं है। आदमी की औकात उसका खूंटा होता है, जानवर भी अपने खूंटे पर कूदता है, हाँ मेरा खूंटा बहुत मजबूत है, मेरा खूंटा है, मेरे दोस्त जो है खूंटा है, और दोस्त से ही बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। दैट आई एम रिचेस्ट एंड लकीस्ट इन यूनिवर्स, नॉट ओनली यूनिवर्स, आई एम रिचेस्ट एंड लकीस्ट। प्रभु राम तो मतलब यार भगवान राम समुद्र को थ्रेड करके रह गए कि तुम मुझे रास्ता दो नहीं तो मैं सुखा दूंगा, मगर मेरे दोस्तों ने, मेरे दोस्तों के लिए और मेरे दोस्तों ने के लिए मैंने हमेशा पानी मांग लगाई, खटोला वहां बिछा जाए। जी तो इस नाते ब्रांड थी, इस नाते ब्रांड थी, तो मैंने फिर आपका किया आपके ब्रांड, मगर मैंने फिर ये जो मेरी प्रवृत्ति थी उसके मुताबिक जो मैंने लाफिंग का जो प्रभु ने कर दी, मैंने ये लाफिंग इससे बड़ी मतलब हमेशा खराब से खराब परिस्थिति में प्रभु ने लाफ कराता रहा। वो मेरे दोस्त ने वही मैंने जो एग्जाम्पल लिया, मेरी पीएल पुनिया ने 96 में 1996 में, मैंने केम टू रुद्रपुर, ही आस्क्ड माय वाइफ कि भाभी जी ये कोई परेशानी तो नहीं, जब हाईली फाइनेंशियल क्राइसिस थी, मतलब गुल्लक फोड़ के दवाई खाता था कंपोज, कि कोई दिक्कत तो नहीं है, लफाड़िया तो हंसता रहता है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने सोशल मीडिया चलाया क्योंकि जो मदद मतलब है, और स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी परिभाषा है बॉडी माइंड सोल और मोस्ट सोशल एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल की परिभाषा बताई, सोशल की बताई, आदमी खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। जो लोग अधर्म से पैसा कमाते हैं, जो लोग अधर्म से पैसा कमाते हैं, जबराना डकैती से पैसा कमाते हैं, मे बी पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट या समाज या सोसाइटी, मैं उनको बेचारा कहता हूँ। 55 साल की 60 साल के बाद सबके उनके जिसका जैसा स्कोर है उसके मुताबिक उनके बच्चे सड़क पर ले आते हैं, या वो भगवान के चले जाते हैं, या जेल में जा रहे हैं, या अस्पताल में सड़क पर मर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, मैं उनको बेचारा कहता हूँ, क्योंकि सुख की परिभाषा उनको नहीं पता। पैसे को कोई कहाँ ले जाओगे, अधर्म से पैसा कमाया क्या करोगे, एक सीमा के बाद क्या करोगे, उस पैसे का क्या करोगे, इस देश में यही लिमिटेशन है। पैसे से किसी को सुख नहीं मिल सकता, और कोविड ने ये बता दिया कि पैसे की और पैसे वाले की कोई औकात नहीं। जी इसलिए मोस्ट सोशल होना चाहिए, इसलिए मैंने लोगों को ये लाफ्टर
और मैं 1978 से ही मैंने योगा शुरू किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो आज 1995 में जिनकी डेथ होगी, जिन्होंने फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, मिसेस गांधी, और उन्हीं के नाम से ही मतलब है ये जो गोल डाकखाने दिल्ली में पूरा उनका ही वाज डायरेक्टर। आफ्टर पातंजलि जो ऋषि थे उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनसे योगा सीखा। और योग करने वाला आदमी जो योग उसी को ही भाएगा जिसकी मनसा वाचा कर्म सोशल होगा, उसी का योग का फायदा होगा। और योग उसको जो है फायर कर देगा, उसका 1 लाख गुना इजाफा कर देगा उसके गुणों का। किसी अधर्मी का, किसी ने अधर्म से अधर्म के आदमी को 1 लाख योगा थेरेपी रिलीफ नहीं दे सकते। तो जैसे एक माचिस की तिली कहीं बड़े से बड़ी लकड़ी जला देती है, मगर किसी सोशल सोशल जो आदमी है, स्पिरिचुअल है, रियल डेफिनेशन ऑफ सोशल स्पिरिट, योग उसकी उसकी क्षमता को, उसके गुणों को 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ गुना बना सकते। दैट्स व्हाई आई स्टार्ट दिस एंजॉय लाइफ शिव कुमार लाफिंग। मैं नए अपने अपने रेस्पेक्टेड एंड डियर यंग फ्रेंड्स को ये कहूंगा कि थ्री इडियट पिक्चर की तरह से, जैसे मैंने अभी कहा कि चॉइस आपकी अपनी है, जिंदगी जीने की, उसमें कोई कंपल्सन नहीं। अपना फील्ड, अपने कैरियर का भविष्य देखें, उसके मुताबिक डिसीजन लें, और तीन चार टर्मिनोलॉजीज हैं उनको इंप्लीमेंट करें अपने लाइफ में। सत्वान सावित्री जो स्टोरी है अपने आप में फुल मैनेजमेंट है। लगान पिक्चर जो है आमिर खान की, उसमें मैनेजमेंट दिया है हाउ टू बिल्ड अप द टीम। डेल कार्नेगी कहता है मतलब है जो है मस्ट बी प्रैक्टिकल 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 है कि है थिंक वर्स्ट टू वर्स्ट, थिंक वर्स्ट टू वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। व्हेन यू विल प्रिपेयर द वर्स्ट और वर्स्ट यू विल एक्सेप्ट द वर्स्ट, वर्स्ट यू विल काउंट, देन योर ब्रेन विल बी इन पोजीशन टू काउंटर द वर्स्ट, वर्स्ट नेवर कम टू। इन चीजों को अगर लागू करेगा तो लाइफ को एंजॉय करेगा। लाइफ ये आपकी अपनी है दोस्तों, इट शुड बी एंजॉय। ना पास्ट है ना फ्यूचर है, इट इज ओनली वन लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू मस्ट माय डियर फ्रेंड, यंग फ्रेंड मस्ट एंजॉय। और मैं आपके माध्यम से अपने सभी सुनने वाले को, रेस्पेक्टेड डियर को, किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की सलाह, मदद, व्हाट आई कैन डू, इवन डिप्रेशन से लोगों को निकालना है, जो आज बहुत भारी डिप्रेशन है। एनी टाइम एनी बडी कैन कॉल फॉर एनी बडी, द प्रॉब्लम मेरे पास लाइए, मैं उसका समाधान दूंगा। आई विल हेल्प एडवाइस सपोर्ट फॉर यू फॉर सोसाइटी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, मैं आपका दोस्त शिव कुमार, सबका दोस्त, माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लाइफ शिव कुमार। माय रिक्वेस्ट टू ऑल फॉर एंजॉयिंग योर लाइफ, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, स्प्रेड टू एवरीबॉडी फॉर होल ऑफ द ब्रह्मांड, फॉर एंजॉयिंग टू देम आल्सो। नमस्ते। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। Ah!